हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ किटन 19 की आर सेटिंग, कैमरा सेटिंग, डिफ़िकल्टी सेटिंग। तो आपने वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखनी है, और जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है वो काइंडली सिर्फ एक लाइक कर मूव्स में आ जाएँ। मूव्स में आने के बाद इधर सेटिंग में आएँ और जनरल सेटिंग में आएँ आप। तो ये सबसे पहले है थीम का ऑप्शन। थीम में आप जो मर्जी सेलेक्ट कर लें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, लेकिन मैंने वेस्ट इंडीज़ रखा हुआ है। रेजोल्यूशन आपने 1920 मल्टीप्लाई 1080 रखने हैं। करेक्टर डिटेल आपने हाई रखने हैं, मीडियम भी रख सकते हैं, हाई डिटेल रखने हैं। जिनके ग्राफिक कार्ड अच्छा है और पीसी स्पेसिफिकेशन अच्छी है ना, वो आप हाई रख लें। नीचे शेडोज़ में आ जाएं, शेडोज़ में आपने हाई क्वालिटी और मीडियम, इसमें मीडियम आप रख सकते हैं, मीडियम येलो जो मर्जी रख दें, कोई इतना ही खास इशू नहीं है। एंटी लाइजिंग में आ जाएं, इधर आपने एफएक्स रखना है, और डेप्थ ऑफ फील्ड आपने ब्लूम आप मैंने डिजेबल रखा हुआ है, आप इसे रख सकते हैं, हाई भी कर सकते हैं। मैंने तो अपने वो प्रॉब्लम पीसी प्रॉब्लम की वजह से डिसेबल किया हुआ है। लाइट फ्लेयर भी मैंने डिसेबल किया हुआ है, लेकिन लाइट फ्लेयर आपने ना जो हाई रखनी है, हाई क्वालिटी की। क्राउड आपने जो है ना रिड्यूस डिटेल रख लेनी है, ठीक है। तो हाई भी रख सकते हैं, रिड्यूस भी रखते हैं अपनी ग्राफिक, और ग्रास आपने हाई डिटेल रखना है, ठीक है। और एम्बिएंट ओक्लूजन डिसेबल। नीचे आ जाए, फुल स्क्रीन आपने एक्सक्लूसिव रखनी है, फुल स्क्रीन एक्सक्लूसिव। फ्रेम रेट पे आ जाएं, फ्रेम रेट लिमिट 144 रखनी है आपने, या 100 रख सकते हैं, इससे ये आपकी गेम स्मूथ चलेगी। तो मैंने 144 रखा हुआ है, 60 भी रख सकते हैं। गेमा आपने थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, ये जहाँ तक मेरा है इधर तक आपने कर देना है कि बॉल साफ थोड़ी सी नज़र आएगी। स्कोर ओड आपने ओके रखना है, क्योंकि आपका स्कोर कार्ड अगर इसे ऑफ कर देंगे तो आपका स्कोर कार्ड नीचे से गायब हो जाएगा। रिप्ले आपने आल रखने हैं, नन भी कर सकते हैं, और मैंने आल रखे हैं, आपने आल रखने हैं तो आल। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इधर आपने मैट्रिक रखना है। स्कोर फॉर्मेट आपने विकेट रन रखना है, जो भी रखना है, लेकिन मैंने तो इधर रन विकेट रखा हुआ है, पहले स्कोर बाद में। बॉल ट्रेल आप ऑफ कर दें, ऑन कर दें, इसका ये है कि जब आप शॉट खेलते हैं तो बॉल के साथ वो शेडोज जा रहा होता है ना निशान का। स्टेट फील्डिंग आ जाए, सभी फुली असिस्टेड। ये भाई का कमेंट आया था कि भाई फील्डिंग ऑटोमेटिक हो, तो वो आपने फुली असिस्टेड रखनी है, ठीक है। लेकिन मैंने सभी असिस्टेड रखी हुई है, आपने फुली असिस्टेड रखनी है। ये नीचे आ जाए, ये चेक ऐसी रहने दें, और फील्ड रडार पे आ जाए। इधर आपने फील्ड रडार ऑलवेज ऑन रखना है। कैमरा सेटिंग में ये एम है, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे काफ़ी मैसेज इसी पे आ रहे थे कि भाई हमें कैमरा सेटिंग ही बताओ। बॉलिंग कैमरा आपने फार रखना है, और फील्डिंग कैमरा आपने रखना है। फिल्टर जो है वो डिफ़ॉल्ट रहने दो, और नीचे आ जाओ, ये भी ये छोड़ दो, बाकी सारी ओके है। मैं टीमें सेलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि वीडियो ऐसे लंबी हो जाए। तो ये देख लें, गेम हमारी स्टार्ट हो गई है। तो अभी ये कैमरा सेटिंग आप देख लें, देख लें, व्हाट अ शॉट यार, पहली बॉल पे फोर मोहम्मद रिजवान। ये आप सेटिंग देख सकते हैं, ट्रेनिंग कैमरा देख रहे हैं, बॉल के साथ कैमरा ये जा रहा है, वो फील्डिंग थी मैंने रखा था। और अब आपको मैं दूसरी भी अपनी सेटिंग दिखाता हूँ कि मैं जो सेटिंग खेल रहा हूँ, वो हार्ड सेटिंग खेल रहा हूँ। तो ये सेटिंग, ये डिफ़िकल्टी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मेरे पास हार्ड सेटिंग है, और बॉलिंग मीडियम रखी हुई है मैंने, फील्डिंग भी मीडियम रखी हुई है, ठीक है। तो आपने अगर नए हो, शुरू से क्रिकेट 19 शुरू किया, तो फिर आपने बैटिंग जो है ना लो रखनी है, बॉलिंग भी लो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट लाजमी करना, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट दे दें। शुक्रिया।